ठीक है ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो, बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे हैं, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। देखिए आज जिस तरह से मुंबई में आदरणीय योगी जी के पहुंचने पर महाराष्ट्र की सरकार, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, पूरे के पूरे लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट स्वाभाविक है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैग्नेटिक पावर है, तो मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी का देखने को मिल गया ना उनको, किस तरह से तमाम उद्योगपति, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई जा रही उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी उसको लेकर विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में जताया था। तो ये मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी में कितना है, तो आज उद्धव ठाकरे जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने देख लिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं, ये साफ हो गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की सरकार भी अंडरवर्ल्ड ही चला रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में कोई नहीं रहना चाहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सब बहुत तेजी से रुख कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी है, तमाम यहाँ पर धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं, यहाँ की संस्कृति देश की यहाँ दिखती है, यहाँ काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, वृंदावन है, इस तरह की हमारे पास तमाम सी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो भी हैं, उसके साथ मिलकर सब काम करना चाहते हैं।